guys, what's up and welcome back to our YouTube channel. Hello everyone, I hope you all are doing well. So we are back with another video. Yes, and we are back with, again, cities. And we guys are liking reacting on to the cities videos because achhi hoti hai, bahut zyada informative hoti hai. In this video, we are going to react on Noida. Naveda city. And I don't know how to pronounce it. Is the greatest city in Uttar Pradesh, UP. ठीक है, हमें यूपी के बारे में पता है, वी नो दैट इट इज़ द स्टेट इन इंडिया, बट हमें इतना ज़्यादा भी नहीं पता है, खुल के भी नहीं पता है. But we are familiar with the name and and we have heard of it a lot of times and we kind of know about Naveda, but we haven't actually seen it. Like कभी देखा नहीं है ऐसे, but Indian movies में Naveda का नाम सुना है and काफ़ी बारी लोगों से भी सुना है इंडिया के, but कभी ऐसे देखा नहीं है. So we are going to be watching the video and then we will decide how is the city. But so actually jab humne Hyderabad ko dekha tha, so we were like okay, it is great. Hamara jo soch thi usse bahut alag tha, but abhi meri as such koi soch hai nahi, because we don't know much about this. So yeah, let's see kaisa hone wala hai. Without wasting your time, let's get into the video. If you're new to our YouTube channel, what you're waiting for, go and subscribe to our channel and then come back and start watching this video with us. नोएडा उत्तर भारत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसा एक आधुनिक शहर. ये शहर जिला गौतम बुद्ध नगर के अंदर आता है. राजधानी दिल्ली से सटा जिला होने के कारण इस क्षेत्र का भविष्य देखते हुए यहाँ इस नए आधुनिक शहर को विकसित किया गया है. ये शहर दिल्ली की सैटेलाइट सिटी के रूप में दिल्ली NCR यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है. इस प्लांट सिटी का पूरा नाम न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है. नोएडा अपने IT पार्क, शॉपिंग मॉल्स, बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्यालय और मनोरंजन के अनेकों साधनों की वजह से जाना जाता है. उत्तर प्रदेश में जहां UP 16 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दिख जाएं, तो समझ जाइए आप भारत के सबसे हरे भरे साफ सुथरे शहर नोएडा की धरती पर कदम रख चुके हैं. ये आधुनिक नगर समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचाई पर करीब 203 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है. 2011 की जनगणना के अनुसार नोएडा नगर 6,37,000 की जनसंख्या के साथ भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की लिस्ट में 71वें नंबर पर आता है. ये नगर बहुमंजिला इमारतों से भरा हुआ है, जिसकी वजह से इसका जनसंख्या घनत्व 2500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है. नोएडा में मौजूद इमारत सुपरनोवा स्पाइरा उत्तर भारत की सबसे ऊंची रिहायशी बिल्डिंग है, जो लगभग 80 मंजिला इमारत है और 980 फुट ऊंची है. नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतर शहर है. ABP न्यूज़ का बेस्ट हाउसिंग सिटी का खिताब भी नोएडा शहर को मिला है. नोएडा को मध्यम जनसंख्या की श्रेणी में सबसे साफ सुथरे शहरों में पहले नंबर पर रखा गया है. वही शहर का 50% इलाका हरे भरे पेड़ों और पार्कों से भरा हुआ है, इसलिए इसे भारत का सबसे ग्रीनेस्ट सिटी माना गया है. 88% साक्षरता दर के साथ ये शहर उत्तर प्रदेश का सबसे शिक्षित शहर है. यूं तो इस शहर में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के लोग यहां 90% से अधिक जनसंख्या के साथ बहुसंख्यक आबादी का निर्माण करते हैं. नोएडा में देश के सबसे ज़्यादा मीडिया संस्थानों के कार्यालय मौजूद हैं. ऊंची इमारतों के मामले में भी नोएडा मुंबई के बाद दूसरे स्थान पर आता है. शहर की साफ सफाई, देखभाल और संस्थाओं को चलाने के लिए जितने पैसों की ज़रूरत होती है, उससे कहीं ज़्यादा आमदनी इस शहर को टैक्स इकट्ठा करने से मिल जाती है. नोएडा अथॉरिटीज़ ने करीब 3,500 करोड़ रुपये अलग अलग बैंकों में फिक्स डिपॉजिट करवाए हुए हैं. इस शहर की ज़्यादातर कमाई बिल्डर्स से प्राप्त होने वाले टैक्स और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्स से होती है. अभी अथॉरिटीज़ के पास इतना पैसा जमा है जिससे इस पूरे नगर की व्यवस्था को 5 साल तक बिना टैक्स लिए चलाया जा सकता है. आज की वीडियो में इतना ही. वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए. अगर अपने शहर के बारे में वीडियो बनवाना चाहते हैं तो एक्सप्लोर वायरस को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर ज़रूर बताएँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड विद एक्सप्लोर वायरस. In the video that Naveda is a very green city, so हमें दिख भी रहा है कि बहुत ज़्यादा greenery है. And I think
इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मुझे ऐसे शहर बहुत अच्छे लगते हैं जिनमें ग्रीनरी बहुत हो, और मुझे ऐसी जगहों पर रहना भी बहुत ज़्यादा ही, मतलब मेरा दिल करता है कि मैं ऐसी जगह पर रहूँ. इट्स माई पर्सनल चॉइस. या एंड आई थिंक बहुत ही ज़्यादा डेवलप सिटी है ऑल्सो, बहुत ज़्यादा साफ है. इट्स अ वेरी क्लीन सिटी, कहीं पर कुछ गंदगी नहीं है. और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं. उन्होंने बताया कि मुंबई के बाद ये दूसरा शहर है जिसमें सबसे ऊंची ऊंची. या इट मींस इट्स अ वेरी डेवलप्ड सिटी और मीडिया से रिलेटेड भी. और सो बहुत ही ज़्यादा साफ सिटी है, और जैसा कि हमने देखा भी और हमें लगा भी. एंड आई थिंक नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ इंडिया, एंड नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाई इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री. क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ एक दो शहर ही बस उन पे फोकस है. इंडिया में बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं, सो और हर स्टेट्स का स्टेट्स की अपनी एक वैल्यू है और उसकी एक अपनी पहचान है. और लाइक सिटीज़ की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं. और आई थिंक हमें इस चैनल को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए बिकॉज़ यस सो that because of him we are you getting know, a yeah. lot of information and it's like ki hum wahan explore kiye bagair hi jo hai wo yahan pe baith kar usko dekh rahe hain aur kind of explore kar rahe hain. So I think it's a really good thing and he is doing amazing. I think I'm kind of enjoying these kind of videos because me you know, too itna sara janne ko mil jata hai yahan pe baithe baithe, पाकिस्तान में बैठे बैठे इंडिया के बारे में इतना कुछ जानने को मिल जाता है. सो एक लम्हे के लिए ऐसा होता है यार, सीरियसली इंडिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी. और उन्होंने ये भी बोला कि अगर 5 साल तक बिना टैक्स लिए बिना कुछ किए भी वो सिटी आराम से चल सकता है. सो आई थिंक सारी जो जो कहते हैं ना एक तारीफ की जाएगी या अगर किसी को सराहा जाएगा तो आई थिंक गवर्नमेंट of course government because of the doing government a very good job and which is the best thing. Yeah, all right guys, now we are about to end this video, and if you're new to our channel go and subscribe and press the bell icon. Also go follow us on Instagram. We will mention our Instagram username on the screen right here, which is Batais_reaction. If you have any request or suggestion, please do let us know in the comment section down below. अगर किसी सिटी से रिलेटेड है या अदरवाइज कुछ भी आपकी रिक्वेस्ट है तो आप बताइए और हम ज़रूर उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे. Yeah. Suggestions. And now we are ending our video with a positive message, which is not forget to spread peace, love, and positivity. And positivity. Bye bye. Love you all.